In this lecture number 4 of unit number 1, we will talk about the full wave rectifier, the circuit diagram of the full wave rectifier and analysis of the full wave rectifier. Okay, now what is the full wave rectifier? In the previous lecture we have discussed about the half wave rectifier. हाफ वेव रेक्टिफायर का हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपका वेवफॉर्म जनरेट होती है आउटपुट वोल्टेज पर और हम एसी को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं. तो बेसिकली ए रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स एसी वेवफॉर्म इनटू द डीसी वेवफॉर्म, पल्सेटिंग डीसी वेवफॉर्म. तो लाइकवाइज द फुल वेव रेक्टिफायर, जो यहाँ पर एक सर्किट गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, वी इनपुट है एंड दो डायोड D1 एंड D2 यहाँ पर लगे हुए हैं. तो इन द फुल वेव रेक्टिफायर हम क्या काम करते हैं, दो डायोड हम यहाँ पर यूज करें D1 एंड D2. ओके, ट्रांसफॉर्मर से सप्लाई आ रही है D1 एंड D2 को एंड लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है RL. RL से लोड रेजिस्टेंस. ओके, और V0 इज द आउटपुट वोल्टेज हियर. तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या काम करते हैं, ए फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एन AC वोल्टेज इनटू ए पल्सेटिंग DC वोल्टेज यूजिंग द बोथ हाफ साइकिल ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज. डैट मीन्स ये दोनों साइकिल यूज करता है रेक्टिफिकेशन के लिए. तो हाफ वेव रेक्टिफायर हम यहाँ सप्लाई देंगे. देखिए, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 क्या करेगा, कंडक्ट करेगा. ओके, और यहाँ पर प्लस है तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा, यहाँ पर आप माइनस है तो डायोड D2 आपका रिवर्स बायस में होगा. नाउ तो दिस इज द सेंटर टेप टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, बिकॉज द ट्रांसफॉर्मर वी आर यूजिंग द सेंटर टैप. तो ये वाला जो आपका यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर, ये इस डायोड को वोल्टेज देगा, ये वाला ट्रांसफॉर्मर, ये जो सेंटर टैप यहाँ पर इस डायोड को, ये यहाँ पर वोल्टेज अपीयर होगा. ओके, तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल हियर द डायोड D1 विल कंडक्ट एंड डायोड D2 आपका ओपन सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा. तो जैसे ये कंडक्ट करेगा, डैट मीन 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज होने पर ये डायोड कंडक्ट करेगा और यहाँ पर इसके अक्रॉस करंट और वोल्टेज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. तो जैसे ही आर लोड रेजिस्टेंस RL है, डायोड D1 कंडक्ट करेगा, तो लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस V0 वोल्टेज यहाँ पर अपीयर होगा फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल. ओके, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ये वाला डायोड D2 आपका रिवर्स बायस केस में चला जाएगा. तो यहाँ से कोई भी आपके वोल्टेज अपीयर नहीं होगा. तो देखिए करंट किस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल है, डायोड इस तरह इस वाले डायरेक्शन में आप हमको चलना है. तो यहाँ से इधर करंट चलेगा, लोड रेजिस्टेंस से इस वाले डायरेक्शन फ्लो होगा, यू कैन सी, और यहाँ से इस तरह से जाएगा और ये वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा. तो जो आपके करंट की डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन आपके ये वाली फ्लो हो रही है, दिस वन, दिस इज करंट डायरेक्शन हियर, ये करंट की डायरेक्शन यहाँ से फ्लो हो रही है. ओके, लाइकवाइज इन रिवर्स डायरेक्शन डायोड D2 ओपन हो जाएगा, कोई भी वोल्टेज यहाँ पर अपीयर नहीं होगा. ओके, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल आपके ए टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा. तो जैसे ही पोलारिटी चेंज होगी तो डायोड D2 क्या होगा, कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा. डायोड D2 ने कंडक्ट किया एंड डायोड D1 आपका ओपन सर्किट वोल्टेज में चला जाएगा, यहाँ से ओपन सर्किट हो जाएगा. तो डायोड D2 आपके यहाँ से हुआ कंडक्ट हुआ, तो वोल्टेज किस तरह से फ्लो होगा, लाइक डैट, इस तरह से आपका ये यहाँ पर वोल्टेज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, तो ये आपका डायरेक्शन रहेगी वोल्टेज फ्लो होने की, दिस वन. तो रिवर्स केस में यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, डायोड D2 आपका कंडक्ट होगा, डायोड D1 आपका रिवर्स बायस में चला जाएगा. तो यहाँ से आप देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन आपके पास ये वाली है. ओके, तो इन बोथ केस, दोनों केसेस के अंदर जो लोड रेजिस्टेंस है, वहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, वो सेम डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो हो रही है लोड रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रही है. तो वोल्टेज जो V0 यहाँ पर अपीयर होगा, वो वोल्टेज सेम डायरेक्शन में यहाँ पर अपीयर होगा. ओके, तो वी कैन सी यूजिंग द वेव फॉर्म, ये साइनसोइडल वेव फॉर्म है. यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल, डायोड D1 कंडक्ट हुआ, यहाँ से जो वोल्टेज अपीयर हुआ ये, ओके, 0 to π. नेक्स्ट हाफ साइकिल π से 2π, यहाँ पर जो आपका ये वाला डायोड रिवर्स बायस में चला गया, तो डायोड D2 आपका क्या हुआ, कंडक्ट हुआ, और डायोड D1 रिवर्स बायस में चला गया. तो डायोड D2 जो कंडक्ट हुआ, तो
उसकी वजह से जो आपके यहाँ पर वोल्टेज अपीयर हो रहा है लोड रेजिस्टेंस पे, डेट इज अ वोल्टेज हियर। ओके, तो दिस इज अ फुल वेव रेक्टिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी वेव का हमने यहाँ पर रेक्टिफिकेशन किया है, हाफ वेव का नहीं, हाफ वेव में आधी वेव का, ये जो हो जाता है ये वाला पार्ट और हाफ वेव रहता है। तो फुल वेव में बहुत साइकिल, दोनों जो साइकिल है उसका रेक्टिफिकेशन हुआ है यहाँ पर। ओके, नाउ हाउ कैन डू द एनालिसिस, एनालिसिस हम कैसे कर सकते, कर रहे हैं यहाँ पर। वी आर डिटरमाइनिंग हियर द डीसी वोल्टेज, वी डी सी वोल्टेज, वी डी सी इज नथिंग बट आई डी सी इंटू आर एल। ओके, वी डी सी इज इक्वल टू आई डी सी इंटू आर एल। वट इज आई डी सी हियर, आई डी सी इज द एवरेज करंट। ओके, द वैल्यू ऑफ द एवरेज करंट इज टू आई एम अपॉन पाई, टू आई एम अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई लोड रेजिस्टेंस आर एल। ओके, वी ऑल्सो नो द आई एम विल बी इक्वल टू द वी एम मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन आर एस प्लस आर एल प्लस आर एल। आर एल इज द लोड रेजिस्टेंस, आर एफ इज द डायोड रेजिस्टेंस हियर फॉरवर्ड बायस में, और आर एस इज द सीरीज रेजिस्टेंस हियर, सीरीज रेजिस्टेंस हियर। तो वी डी सी विल बी इक्वल टू दी फ्रॉम हियर, इसको हम यहाँ पर पुट अप कर रहे हैं आई एम की वैल्यू, तो टू वी एम अपॉन दिस पार्ट हियर। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं इफ आर एस प्लस आर एफ इज वेरी वेरी लेस देन आर एल, अगर ये लोड रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पर। ओके ओके, तो अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है तो वी कैन नेग्लेक्ट द आर एस प्लस आर एफ, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द वी डी सी, वी डी सी विल बी इक्वल टू द टू वी एम अपॉन पाई, द वैल्यू ऑफ द वी डी सी इज टू वी एम अपॉन पाई। तो वी कैन राइट हियर 0.637 वी एम, दैट इज वी डी सी। नाउ हाउ वी कैन डिटरमाइन द एवरेज करंट, एवरेज करंट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 1/2π0/2π आई डी थीटा। ओके, नाउ पुट द वैल्यू हियर, करंट की वैल्यू हमें यहाँ पुट अप करना होगा, आई एम साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट हियर, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया यहाँ पर, इसका हमने इंटीग्रेशन किया, तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग दी ऑल थिंग्स हियर आई डी सी विल बी इक्वल टू द टू आई एम अपॉन पाई। ओके, एवरेज करंट इज टू आई एम अपॉन पाई हियर, तो 0.637 आई एम, डेट इज द एवरेज करंट हियर। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एवरेज करंट की वैल्यू है फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, ये है आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर था, इसमें जो एवरेज की वैल्यू थी आई डी सी की वैल्यू उससे डबल है। तो वी कैन राइट हियर आई डी सी फुल वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाई आई डी सी हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, तो डेट्स वाई यहाँ पर हम लिख रहे हैं 0.637 आई एम। नाउ हाउ यू कैन डिटरमाइन द आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, द आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज डिटरमाइंड बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला, वी आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/1T 0 to t v square d omega t, that is the formula। तो इस वाले formula को use करके हम RMS voltage की value हम यहाँ determine करेंगे। तो आप देख सकते हैं RMS voltage कितना है आपके पास, v RMS is equal to Vm upon square root of t, that is v RMS। okay, तो इस तरह से आपके RMS की current आपने यहाँ पर determine कर लिया। now come to the this part here, ripple factor, this is a very very important factor here, ripple factor। तो गामा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आई डी सी स्क्वायर माइनस वन, डेट इज़ अ रिपल फैक्टर। तो हमने पहले ही बता दिया था आपको कि व्हाट इज़ द रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर क्या होता है, इसमें आपका कुछ एसी के कंपोनेंट्स होंगे। ओके, तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की वजह से आपके रिपल जनरेट होते हैं यहाँ पर। तो वी कैन राइट हियर फॉर फोर फुल वेव रेक्टिफायर आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू, आई डी सी इक्वल टू टू आई एम अपॉन पाई। ओके, ये ऑलरेडी हम यहाँ पर डिटरमाइन कर चुके हैं। तो पुट दिस वैल्यूज, ये वाली वैल्यू आप कहाँ पुट अप करें, यहाँ पर आई आर एम एस और आई डी सी में आप यहाँ पर वैल्यू पुट अप करें। तो यहाँ जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा और वी विल डिटरमाइन हियर रिपल फैक्टर इज 0.483। व्हाट इज द रिपल फैक्टर, 0.483 इज अ रिपल फैक्टर हियर, ये आपके पास एक रिपल फैक्टर निकल कर आया। ओके, नाउ एफिशिएंसी, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, नेटा इज इक्वल टू पी डी सी अपॉन पी एसी मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, तो दिस इज पी डी सी कैसे डिटरमाइन करेंगे, पी डी सी इज इक्वल टू फुल रेक्टिफायर आई डी सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर।
ओके आईडीसी हमने डिटर्माइन कर लिया था 2 IM/π, पुट यहाँ पर 2 IM/π हम यहाँ पुट अप कर रहे हैं, दिस इज 2 IM/π स्क्वायर हुआ इसका RL हो गया। PAC पावर AC कितनी है आपके पास, RMS स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RA प्लस RS प्लस RL। ओके तो ये हमें यहाँ पर पुट अप करना है, इसकी वैल्यू RMS हमने डिटर्माइन कर लिया IM/√2 इसका स्क्वायर। अब इसमें दोनों वैल्यू आप पुट अप करें, PDC और PAC की वैल्यूज पुट अप करिए, PAC और PDC की वैल्यू जैसे आपने इसे पुट अप किया, और वी आर एज्यूमिंग द लोड रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू दिस RA प्लस RS। ओके इससे ज़्यादा है तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं पार्ट को, तो वी विल गेट हियर द नेटा, नेटा की वैल्यू हमें यहाँ पर जो मिला वो नेटा कितना मिला 0.812 या फिर 81.2% इज द नेटा। नेटा की वैल्यू हमें कितनी मिली 81.2% हमें यहाँ पर नेटा की वैल्यू मिली। ओके तो एफिशिएंसी यहाँ पर देखिए, एफिशिएंसी अगेन इंक्रीजिंग फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या हुआ, एफिशिएंसी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, पहले हाफ वेव रेक्टिफायर में कम थी अभी इसमें ज़्यादा हो गई। ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो हमने पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, तो द DC पावर टू बी डिलीवर टू द लोड इन ए रेक्टिफायर सर्किट डिसाइड्स द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इन दिस सर्किट। सो द ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज PDC/PAC रेटेड, PDC/PAC रेटेड। तो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर सेकेंडरी वाइंडिंग इज PDC डिलीवर टू लोड अपॉन AC पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। ओके तो यू कैन सी हियर सिंस द बोथ वाइंडिंग आर यूज फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम यहाँ दोनों वाइंडिंग यूज करते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर था इसमें जो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर था उसका डबल ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा फुल वेव रेक्टिफायर में। ओके तो वी आर राइटिंग हियर 2 × 0.287, डेट इज द ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ओके फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ फॉर TWA फॉर प्राइमरी वाइंडिंग विल बी इक्वल टू द रेटेड एफिशिएंसी, वी कैन ऑल्सो डिफाइन PDC/PAC मल्टीप्लाइड बाई 100 जो हमने यहाँ पर डिटरमाइन किया 81.2%, दैट इज TWA फॉर प्राइमरी वाइंडिंग। ओके नाउ हम जो एवरेज TUF निकाल रहे हैं यहाँ पर वो कितना होगा, ये 0.74 प्लस 0.812 दिस वन अपॉन 2 दिस एवरेज। तो एवरेज जो TUF हमारे पास निकल कर आया वो है 0.693, दैट इज एवरेज TUF। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो एवरेज TUF है वो भी आपके यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें जो TUF था ओके और यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर है इसमें जो TUF है इसकी वैल्यू इंक्रीज यहाँ पर है। ओके नाउ पीक इनवर्स वोल्टेज, हमने पीक इनवर्स वोल्टेज कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज डेट ए डायोड कैन विदस्टैंड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जंक्शन। डेट मीन्स जब डायोड रिवर्स रिवर्स बायस होता है तो मैक्सिमम कितनी वोल्टेज ये विदस्टैंड कर सकता है जंक्शन को डिस्ट्रॉय किए बिना। ओके तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो आपका पीक इनवर्स वोल्टेज है ये आपका है 2 VM, डेट इज 2 VM इज दी फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। ओके नाउ दिस पार्ट इज द रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन इज डिटरमाइंड बाय दिस फॉर्मूला हियर। ओके इस वाले फॉर्मूला से हम वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ डिटरमाइन करते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, तो वी कैन सी हियर कि जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें जो रिपल फैक्टर थे 1.21 थे, 1.21 फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। जब हमने रिपल फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर डिटरमाइन किया तो ये आपका 0.482 आया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि रिपल फैक्टर इसमें कम है, रिड्यूस हो गया, रिपल फैक्टर रिड्यूस हो गया। डेट मीन्स ये वाला जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर है ये इसकी परफॉर्मेंस गुड है। ओके लाइकवाइज द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी फॉर फुल वेव रेक्टिफायर इज 0.812। ओके और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए था 0.405 फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके तो आप यहाँ देख सकते हैं रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी भी आपके यहाँ पर इंक्रीज हुआ ओके हाफ वेव रेक्टिफायर से, तो अगेन द फुल वेव रेक्टिफायर परफॉर्म्स गुड। ओके
एंड बेटर ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर भी आपका यहाँ पर बेटर हुआ, ओके। तो विच इज द 0.74 फॉर फुल वेव रेक्टिफायर एंड 0.287 फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर ईयर, ओके। नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज, इट रिक्वायर्स द सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, इट रिक्वायर्स द सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। तो वी हैव स्टडीड अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर एंड एनालिसिस ऑफ द वेव फॉर्म ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर, ये हमने यहाँ पर स्टडी किया, ओके। और हाफ वेव रेक्टिफायर हम पिछले टर्म पे स्टडी कर चुके थे लेक्चर नंबर 3 में, और फुल वेव रेक्टिफायर हमने स्टडी किया यहाँ पर, फुल वेव उसकी पूरी एनालिसिस किया, और आफ्टर एनालिसिस वी से कि फुल वेव रेक्टिफायर परफॉर्म्स बेटर देन हाफ वेव रेक्टिफायर, ओके। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।